तस्लीम नाम है। तस्लीम जी। और ये आपकी गुड़िया है? वासिफा नाम है। वासिफा। तस्लीम, आपकी बच्ची को क्या दिक्कत थी? बड़ी बेटी हुई थी तो बड़ी बेटी को 3-4 साल चलना नहीं आया। 4 साल के बाद चलना आया, काफ़ी सीधे हाथ पैर थे उसके, चली वो। चलने के बाद हमने डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले ठीक है, कैल्शियम की कमी थी वो हो गई पूरी। उसके बाद उसके पैर मुड़ने लगे अपने आप ही जी। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो बोले नहीं, इसकी फिजियोथेरेपी तक कराइए, बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद फिर वो रुक नहीं पाई, टेढ़े चपड़ते चले गए। फिर मैं बनारस ले गया, एक बेटी मेरी 8 साल की थी उसे भी ले गया साथ में, वो भी खड़ी नहीं हो पाई थी 8 साल से, तो उसे भी ले गया। मैं दोनों को बनारस में दिखाया, वहाँ डॉक्टर ने गया हम हाथ खड़े कर लिए, मना कर दिया साफ कि हमसे नहीं हो पाएगा, मांसपेशी इनकी हार्ट है। तो उसके बाद मैं बनारस इलाहाबाद गया, इलाहाबाद बनारस जाने के बाद फिर मैं उदयपुर गया नारायण हॉस्पिटल में। नारायण हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ 3-4 दिन दिखाया डॉक्टरों को, अच्छे भी बड़ा हॉस्पिटल जो है सरकारी उसमें दिखाया, उन्होंने भी मना कर दिया साफ कि हम नहीं देख पाएंगे इसे, मांसपेशियों की दिक्कत है बच्चों को तुम्हारे। जाँचें मैंने काफ़ी रुपये की करा रखी थी। उसके बाद वहाँ से दिखाने के बाद जब वहाँ मना कर दिया तो मैंने प्राइवेट में दिखाया, 1,000 रुपये फीस दी डॉक्टरों को, टेम्पो करा 1,000 रुपये में, सब जगह डॉक्टरों को दिखाया। बच्ची एक जगह गई, जब उसने देखा पैर सीधे हो गए तो डॉक्टरों को जब मैंने दिखाया बोले इनके पैर फिर से टेढ़े हो जाएंगे, हम ऑपरेशन कर देंगे, तो इनकी मांसपेशियों की दिक्कत है, इसकी अभी तक दवाई नहीं आई, खाली कैल्शियम की दवाई हम दे सकते हैं। तो वो ले आने के बाद मायूस होकर फिर घर आ गए। एक बेटी हमारी एक्सपायर हो गई, वही 8 साल की जो थी, उसकी सांस से रुक गई इसी मांसपेशियों की वजह से, गर्दन टेढ़ी पड़ने लगी, पैर मुड़ गए दोनों उनके जी। उसके बाद ये हुई 20-25 दिन बाद उसके जी। बेटी उसके बाद फिर आपकी यहाँ पहली बार आगन के पहली बार दिखाया, उसमें 15 दिन में काफ़ी मूवमेंट अच्छा मिला। इसको क्या दिक्कत हो रही थी? इसकी ये दिक्कत हो रही थी, इसके अंदर वही जो जान बेटी में बड़ी में नहीं थी, छोटी में नहीं थी, वो इसमें वही दिक्कत है सेम। नी खड़े होने मतलब नी मतलब जैसे कि बैठना, जैसे कि ठहर नहीं पा रही थी ये इस तरीके से जी जी जी। ये अब ये जो है ठहर पा रही है, वरना इसे ऐसे करके अब भी ऐसे करके इसे छोड़ोगे तो गिर पड़ेगी। मतलब 15 दिन की दवाई से जो बैठ रही थी, हमारी दवा ली है, अभी इसका नेक गर्दन नहीं ठहर पा रही थी, वो अब गर्दन काफी अच्छी ठहर रही है। 15 दिन में ही ठहरने लगी और आपकी बच्ची अब देख पा रही है, सब तरफ घूम रही है, वो कर रही है जी, पलट भी रही है, लेटे बेड पे लेटने के बाद पलटना भी है। पहले नहीं कर, पहले नहीं, जान ही नहीं थी। अभी रामपुर गार्डन में जब दिखाया तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब से बच्चे को देख लीजिए, उन्होंने बड़ा सिर देखते के साथ ही कह दिया इसमें पानी है बच्चे में, ना इसकी जांच कराई ना कुछ हमें बताया उन्होंने, सिर्फ हमसे ये कह दिया इसे किसी और डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद हमारे ससुर ने उधरी से आपके पास बुला लिया। अच्छा। यहाँ से काफी राहत है, काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। बच्चे की भी थोड़ा बहुत है, सर पे थोड़ा प्रेशर है, लेकिन बच्चा जो है 15 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने लगा है, बोलने उलने लगी है, नॉर्मली रिएक्ट करने लगी। हम आशा करते हैं हमारी आगे की दवा से आपकी बच्ची बिल्कुल दौड़ने भागने लगे। आप लोगों को होम्योपैथी में इतना आपको विश्वास नहीं था जी जी जी, आप काफी आगे जान के ऐसा लगा कि हाँ अंग्रेजी दवाइयों में कुछ नहीं है जी जी, कुछ भी नहीं है। माँ बेटी खत्म हो गई, वो मेरे लिए बेटी जो है बेटे से भी ज्यादा है। नहीं, मैं काफी मोहब्बत करता हूँ बेटियों से। मैंने जो भी दौलत कमाई मैं बिल्डिंग बना सकता था 80-90 लाख की, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं है, सारा दवाई को मेरी पैसा लग गया। 25-30 साल हो गए मुझे यही रोटों का काम करता हूँ, छतों का रूफ मेहनत करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जो भी पैसा कमाया दवाइयों में लगाया बच्चों की, इसलिए सिर्फ बच्चे सही हो जाए मैम, उसके बाद भी बच्चे ठीक नहीं हो पाए। आपकी आने से काफी मूवमेंट अच्छा है। अच्छा, हमें बहुत ज्यादा खुशी है और हम आशा करेंगे कि ऐसे तो खुद ही सही हो गई है, चौंक चौंक कर रही है, ये भी बोलेगी अभी मेरे पे। आपको बहुत बहुत बधाई, तेरी भी हाँ तू बोले कि तेरी भी रिकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है ठीक है। हर जगह डॉक्टर में जाने के बाद मन रो गया, बहुत मन रोया।